हे दोस्तों, एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का मोटिवेशन खत्म हो जाता है अपने गोल्स को पूरा करने से बहुत पहले ही, वो और कुछ नहीं बस एक मिसकंसेप्शन की वजह से होता है। मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है अगर हम हर दिन किसी चीज को लेकर मेहनत करते रहेंगे तो हर दिन उस चीज में अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाएंगे। मुझे तो पहले यही समझाया गया था और श्योरली आपको भी यही लगता होगा, राइट? हमारी इस सोच के हिसाब से अगर मैं रिजल्ट्स या प्रोग्रेस का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा जिसे लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं, जिसमें एक तरफ दिन होंगे जो बढ़ते रहेंगे और दूसरी तरफ हमारे रिजल्ट्स होंगे जो कि हर दिन प्रैक्टिस और मेहनत के साथ वो भी बढ़ते रहेंगे। इस मिसकंसेप्शन का एग्जांपल आपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा, जहां एक हीरो को किसी रीजन की वजह से एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होता है। उसके पास ट्रेनिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा रहता, बट फिर भी वो पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। पहले दिन वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन फिर ट्रेनिंग करते हुए धीरे धीरे हर दिन अच्छा होते जाता है और टूर्नामेंट के एक दिन पहले तक हर वो चीज करके दिखा देता है जो पहले दिन उससे नहीं हो पा रही थी। ये सब देख के हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ सही है, अगर इंसान मेहनत करने लगेगा तो कितने भी टाइम में कुछ भी अचीव कर सकता है और उसे ऐसे रिजल्ट भी मिल ही सकते हैं। अब ये बात सच है कि हम मेहनत करके चीजें अचीव कर सकते हैं और रिजल्ट्स भी मिलेंगे ही, बट रियलिटी में हमें रिजल्ट्स इस तरीके से कभी नहीं मिलते। द प्लेटो। पहले मुझे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था, इसलिए मैं बहुत सारे गेम्स खेला करता था। जब भी मैं कोई न्यू गेम खेलना स्टार्ट करता तो पहले तो मुझे उसे समझने और बेसिक सीखने टाइम लगता, इसलिए पहले मैं इतने अच्छे स्कोर्स नहीं बना पाता। बट फिर थोड़ा टाइम कंटिन्यूअसली खेलने के बाद मेरे स्कोर्स धीरे धीरे अच्छे होते जाते, जिससे मुझे वो गेम खेलने बहुत मजा आने लगती। ऐसे ही खेलते खेलते मैं एक अच्छा हाई स्कोर बना लेता, बट फिर इसके बाद मेरे स्कोर थोड़े खराब होने लगते और फिर बहुत बार खेलने के बाद भी मैं अपने उस हाई स्कोर को तोड़ नहीं पाता था। इससे मुझे काफी इरिटेट होता था और फिर कई बार मैं वो गेम खेलना ही छोड़ देता था। लेकिन कुछ गेम्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद होते थे उसे मैं ऐसा होने के बाद भी खेला करता था और फिर खेलते खेलते फाइनली अगेन मेरे स्कोर्स बढ़ने लगते थे। मैं फिर एक नया हाई स्कोर बना लेता था, बट उसके बाद फिर से मेरे स्कोर्स थोड़े कम होने लगते और मैं फिर अपने उस न्यू हाई स्कोर को जल्दी तोड़ नहीं पाता था। इस बात पे तब मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, पर अब मास्टरी बाय जॉर्ज लोनार्ड इस बुक से सीखने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, एक्चुअल में रियल प्रोग्रेस और रिजल्ट्स ऐसे ही मिलते हैं रियल लाइफ में। जब आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कोई न्यू चीज करना स्टार्ट करते हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जैसे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बिजनेस करना, जिम करके बॉडी बिल्ड करना या वेट लूज करना, गिटार सीखना या कोई स्पोर्ट सीखना एक्सेट्रा, तब आपकी जो प्रोग्रेस या रिजल्ट का ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, बल्कि वो मेरे उन गेम्स के हाई स्कोर के ग्राफ जैसा होगा, जहां स्टार्ट में आपको रिजल्ट्स दिखने थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तब आपका माइंड और आपकी बॉडी बेसिक सीख रही और समझ रही होगी। पर जब आप डटे रहोगे और कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो कुछ ही टाइम बाद आपको बर्स्ट ऑफ प्रोग्रेस भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट में लोगों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उन्हें पहले से इतना पता होता है दैट स्टार्ट में रिजल्ट्स मिलने टाइम लगता है, लेकिन जब उनके रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद थोड़े खराब होने लगते हैं तब लोगों को डाउट होना स्टार्ट होता है। उनका मोटिवेशन कम होने लगता है क्योंकि उनके दिमाग में तो प्रोग्रेस का एक लीनियर ग्राफ बना हुआ है जो सीधा सीधा रेगुलरली बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उनके रिजल्ट्स और अच्छे होने के बजाय थोड़े कम हो रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से ठीक नहीं होता। इसके बाद कुछ टाइम तक खूब मेहनत करने के बाद भी जब उनको और अच्छे रिजल्ट्स या प्रोग्रेस नहीं दिखता, तब ऑलमोस्ट सबकी हिम्मत और मोटिवेशन खत्म हो जाती है और इसी प्लेटो तक पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग डीमोटिवेट होकर हार मान जाते हैं, क्योंकि तब उन्हें लगने लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं या ये चीज उनके लिए है ही नहीं। पर सच तो ये है कि ऐसा होना एकदम नॉर्मल है। जब आप अपने गोल्स को पूरा करने या मास्टरी अचीव करने के लिए प्रैक्टिस और हार्डवर्क करोगे तो आपका मैक्सिमम टाइम इस प्लेटो पे ही जाएगा जहां आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, पर इससे आपको डिस्करेज या डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप डटे रहोगे और कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो आपको एक और सडन ग्रोथ मिलने लगेगा जो आपको एक न्यू लेवल पे लेके जाएगा, और फिर इसी तरह हर बार आप एक प्लेटो से होके ऊपर आते ही रहोगे। इसीलिए प्रोग्रेस मिलने के बाद इस बात से फिक्र मत करो कि आज आप कल से या एक हफ्ते पहले से कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बल्कि ये देखो कि कैसे आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां से ऊपर उठ के आप एक न्यू लेवल पे आ गए हो और आगे भी और ऊपर जाते ही रहोगे, बस जब तक आप हार नहीं मानते और उस प्लेटो पर रिजल्ट्स ना मिलने के बाद भी प्रैक्टिस या काम करने को एंजॉय करना बंद नहीं कर देते। ये प्रोग्रेस मूवीज की तरह लीनियर नहीं होगा और इसमें आपको फॉर श्योर ज्यादा टाइम भी लगेगा, पर रियल लाइफ में इसी तरीके से आप अपने गोल्स तक पहुंच के उसे पूरा कर पाओगे। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी बुक मास्टरी बाय जॉर्ज लोनार्ड से बताई है, जो कि गोल्स और मास्टरी अचीव करने के लिए है। अगर आपको इस बुक में बताए बाकी सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है तो आप ये बुक खरीद सकते हो, अगर आपको रीड करना पसंद है तो, या फिर अगर आपको मेरी तरह ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो आप इस बुक की एक फ्री ऑडियो बुक या कोई भी और दूसरी आपके पसंद की एक फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो आप www.audibletrial.com/seekin पर जाके या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके वो भी ले सकते हो। अगर आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके अपने नोटिफिकेशन ऑन कर दे
और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दो। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसे काम की नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।